हमारे बीकानेर डेयरी उमूल डेयरी के चेयरमैन जो निर्वाचित घोषित नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं वो गोपाल राम जी जाखड़ साहब, वो पहले भी डेयरी से जुड़े हुए रहे और इनका परिवार काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। इनके पिता श्री जो है पिछली बार चेयरमैन भी रहे थे और अब आप जो है नर्मदा चौहान देवरो पूरे जिले की जनता ने और जो हमारे 12 जो डायरेक्टर आए थे उन सभी डायरेक्टरों ने बैठ के और हमारे ज़िले के जो मुखिया जो कांग्रेस के नेता हैं उस्मान राम जी बिजनौई साहब हैं, उधर हमारे किसान खेत कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश जी बिजनौई साहब हैं, मोहन जी कप्तान साहब जो बज्जू सरपंच हैं, हमने रामजस जी जो नवनिर्वाचित मानका सराब के डायरेक्टर हैं, हेतराम जी विष्णु जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं वो अभी फिलहाल डायरेक्टर हैं और हमारे सभी जो डायरेक्टर हैं और बीकानेर ज़िले के सभी जो मुखिया कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने सबने बैठ कर यूनानी मछली जो है इनको निर्विरोध जो है चेयरमैन बनाने का काम उन्होंने किया। तो एक पूरे बीकानेर ज़िले के अंदर हमारे कांग्रेस का एक अच्छा मैसेज गया है और नोपा राम जी के बारे में कहना चाहूँगा कि वो हमेशा डेयरी से जुड़े हुए हैं, यूथ नेता हैं हमारे कांग्रेस के और बीकानेर ज़िले की जनता ने इनको मौका दिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि डेयरी के अंदर 23 सालों के बाद में निर्विरोध निर्वाचित होना एक बहुत बड़ा हमारे पूरे बीकानेर जिले के अंदर और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के